छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, ये बता दे के हम किधर जाएं। भारतीय सिने संगीत के सुनहरे दौर के महान गायक महेंद्र कपूर। तेरे कदमों पे जिंदगी रख दूं, अपनी आंखों की रोशनी रख दूं, तू अगर खुश हो मैं तेरे दिल में अपने दिल की हर एक खुशी रख दूं। जन्म 9 जनवरी सन 1934 अमृतसर पंजाब में हुआ। यूं तो महेंद्र कपूर का जन्म अमृतसर में हुआ था, लेकिन बहुत जल्द उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया और बहुत ही छोटी उम्र में महेंद्र कपूर मोहम्मद रफी की आवाज से बहुत इंस्पायर हुए और बहुत जल्द पंडित हुसनलाल, पंडित जगन्नाथ बुआ, उस्ताद नियाज अहमद खान और उस्ताद अब्दुल रहमान खान से महेंद्र कपूर साहब ने अपनी तालीम ली। महेंद्र कपूर साहब का अपना एक अनोखा अंदाज था और ये बात कम लोग जानते हैं कि इन्होंने गुजरे जमाने के मेट्रो मर्फी ऑल इंडिया सिंगिंग कंपटीशन को जीता था और वी शांताराम की फिल्म नवरंग में उन्हें गाने का मौका भी मिला था और वो गाना था आधा है चंद्रमा रात आधी, जिसका संगीत म्यूजिक डायरेक्टर सी रामचंद्र ने दिया था। अपनी आँखों से आज ये कह दो, अब न होठों पे उम्र भर आए, छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, ये बता दे के हम किधर जाएं। यूं तो महेंद्र कपूर साहब ने एक से बढ़कर एक गाने गाए, लेकिन बीआर चोपड़ा साहब की फिल्मों से महेंद्र कपूर साहब का नाता एकदम अनोखा था। महेंद्र कपूर साहब मोहम्मद रफी साहब के दीवाने थे और उन्होंने रफी साहब से भी संगीत सीखा था, लेकिन रफी साहब ने महेंद्र कपूर को समझाया था कि देखो महेंद्र, हम दोनों कभी एक साथ गाना नहीं गाएंगे, ये फिल्म इंडस्ट्री हमें लड़वाने की कोशिश करेगी, लेकिन हमें संयम से काम लेना होगा। पर सन 1967 की फिल्म आदमी में महेंद्र कपूर और मोहम्मद रफी एक साथ गाना गाते सुनाई दिए। ये गाना था कैसी हंसी आज बहारों की रात, और ये गाना इकलौता ऐसा गाना है जिसे रफी साहब और महेंद्र कपूर साहब ने गाया था। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। आज भी महेंद्र कपूर का गाया हुआ गाना नीले गगन के तले हमारी जुबा पर है और चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। आज भी जब रोमांस की बात चलती है तो महेंद्र कपूर साहब का गाया हुआ गाना तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं जुबां पर चला आता है। तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। बी आर चोपड़ा के सीरियल महाभारत के गानों के लिए भी महेंद्र कपूर की ही आवाज इस्तेमाल की गई। महाभारत कथा। हिंदी फिल्म संगीत के सुनहरे दौर की अगर हम बात करें तो महेंद्र कपूर उन गायकों में से रहे जिन्होंने अपना एक खास मकाम बनाया। 27 सितंबर सन 2008 में महेंद्र कपूर साहब ने आखिरी सांसें ली। भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास में महेंद्र कपूर का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। दो नैन मिले दो फूल खिले दुनिया में बहार आई एक रंग नया लाई। बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरें और गॉसिप के लिए लॉग ऑन करें facebook.com/ultrahindi और twitter.com/ultrahindi पर।